आपको पहले से बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आई ना, तो आपको अगर पैसे चाहिए, अभी रशिया में सेंक्शन लगा हुआ है तो यू कांट यूज़ मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, कोई भी फॉरेक्स कार्ड भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे दो तरीके से आप कैश विड्रो, दो या तीन तरीके हैं, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि मैं डॉलर्स लेके आई थी, राइट? तो अभी मेरे पास डॉलर्स ही है, बट जब ट्रेन बुक करनी होती है और फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर करना, तो उसके लिए कार्ड नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि टिंकऑफ करके एक कार्ड आता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा कुछ कार्ड होगा। सो उसकी वेबसाइट में जाना है आपको, और फिर उसकी वेबसाइट में आपको सभी जो डिटेल्स फिल करनी होती है, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो पहले मोबाइल नंबर उसका आप एंटर कर दो, तो फिर उसकी वेबसाइट में जाओ। वेबसाइट पूरी रशियन में होगी, तो उसके लिए आपको ट्रांसलेटर जो होता है ना वो यूज़ करना होगा, जो आपके लैपटॉप में ही ट्रांसलेटर अवेलेबल होता है। अगर नहीं अवेलेबल है तो फ़ोन में क्या करो, गूगल होता है ना ट्रांसलेटर, उसको ओपन करो और एक एक जो चीज़ लिखी हुई है ना उसको इंग्लिश में रीड करते जाओ। और उसके बाद ट्रांसलेट का होगा, फिर उसमें आपके नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, फॉरेनर हो और डॉक्यूमेंट आप कौन सा दिखा सकते हो उसको प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसमें आप वीज़ा चूज़ कर लो और नीचे मोबाइल नंबर एंटर कर दो और सबमिट कर दो। ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी एंटर करना होगा आपको और सबमिट कर दो। और अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आपको स्लॉट बताएंगे कौन से टाइम में आपको लेना है। तो मैंने दूसरे दिन, नेक्स्ट डे ही आएगा, सेम डे नहीं आएगा, नेक्स्ट डे का जो फर्स्ट स्लॉट था ना 9 to 11 के बीच का, वो मैंने चूज़ कर लिया डायरेक्ट ही। और विद इन 1 आवर आई थिंक मुझे कॉल आ गया था उनमें से, उनके ऑफिस से, और वो रशियन में बात कर रहे थे। सो आई डोंट नो, सो मेरे नज़दीक में जो भी रशियन बोलता है उसको बोला मैंने कि मैंने ऐसे अकाउंट ओपन किया है, अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ टिंकऑफ में। तो उसका कॉल ये कंपनी में से आया था, कैन यू टॉक विद देम। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक लेडी थी तो उससे, उसने मेरी तरफ से बात कर ली उन लोगों के साथ, और फिर वो लेडी ने मुझे बता दिया कि वो सिर्फ वो कंफर्म करना चाहते थे कि वो ये टाइम पे कल आएंगे, आप अगर यहीं पे रूम पे रहना। मैंने बोला ठीक है, मैं यहीं पे रहूँगी। नेक्स्ट डे जो आए वो, तो फिर उसमें सभी वेरीफाई किया, फिर वो एनवेलोप के साथ, वो मैंने वीडियो बनाया देख लेना, वो एनवेलोप के साथ ऐसा देने आया, एक बंदा आया, उसने सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और हो गया डन। ठीक है, आपके पास कार्ड आ गया, और मेरे पास अभी डॉलर्स है, राइट? तो डॉलर्स से मैंने क्या किया, अगर आपको डॉलर्स भी डायरेक्ट ही ऐड करने हैं उसमें, तो भी आप टिंकऑफ में डायरेक्ट डॉलर्स ऐड कर सकते हो। बट मैंने क्या किया, डॉलर्स है उसको रूबल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे जो VTB बैंक है वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैंने रूबल्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो अभी मेरे पास रूबल्स है, तो अभी मैं यहाँ पे ATM हूँ, यहाँ पे मैं आई ATM में, वहाँ पर हूँ और आई एम ट्राइंग टू टॉप अप। तो आई थिंक टॉप अप का ऑप्शन होगा, बाय फोन नंबर, कार्ड एग्रीमेंट और विदाउट लॉगिंग, बाय फोन नंबर, कार्ड। By phone number, by map, under contact of putting, read the QR code, by map, which card, if you know there is more than, top up by phone, mera number enter karti hu, 9 1 7 confirm। और अभी शायद इसमें डिपॉजिट हो जाएंगे कैश,
अभी मेरे कार्ड में 7000 रुपये आ चुके हैं। टॉप अप मोर मनी क्रेडिट लिव परफेक्ट गुड बाय डिपॉजिटेड 7000 परफेक्ट। तो ये थी पूरी प्रोसेस, उसमें है तो ऐसे मैंने रिचार्ज कर लिया, ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कैश चाहिए तो या फिर आप बाइनांस करके एक एप्लीकेशन है, सो उसमें आप USDT डॉलर्स ट्रांसफ़र करो, अकाउंट ओपन करो, सभी P2P वो सब जो ऑथेंटिकेशन मांगते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो सभी में OTP ऐड कर करके वो सभी वेरीफाई करो, अपना ID, पासपोर्ट से ऐसा कुछ होगा वो वेरीफाई कर लो। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि USDT में रखना है या बिटकॉइन में रखना है। तो मैंने अभी बिटकॉइन परचेस कर लिया है, बिटकॉइन हमें परचेस कर लिया है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे कोई एजेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन अभी उससे ही होता है, तो यहाँ पे कोई आप एजेंट के पास जाओ, बिटकॉइन के बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पर, तो उसके एजेंट के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे ये सेल करना है, तो वो डायरेक्ट ही बोलेंगे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, और उसको वो जो ID प्रोवाइड करेंगे, मतलब QR कोड ऐसा कुछ, वो आपको देना है और डायरेक्ट ही उसको आपको लेना है, और आपके जो होगा एप्लीकेशन वो ऐड करेंगे, डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र होएंगे और आपको कैश दे देंगे रूबल। ये सेकेंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है बस बाइनांस से पैसे विड्रॉ करने हैं, तो कैसे विड्रॉ करना है, तो एक्चुअली मैं खुद ढूंढ रही थी कि कैसे हो सकता है, और वो मैंने सॉल्व कर दिया है कैसे करना है। आपको बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें जो वेरिफिकेशन का होता है वो पहले तो क्लियर कर दो। वेरिफिकेशन में टिक मार्क आ जाएगा, वहाँ पे एक ईमेल वेरिफिकेशन होगा, वो टिक मार्क आ जाएगा, KYC टिक मार्क KYC का होगा। आपकी प्रोफाइल के पास में वो तीनों ऑप्शन लिखे होंगे, सभी में टिक मार्क होना चाहिए, KYC चाहिए, ईमेल वेरिफिकेशन अप टू डेट होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ये तीन वेरिफिकेशन ऑन है। उसके बाद क्या करो आप, वापस जब सेंड कैश का ऑप्शन होता है, वहाँ प्रोफाइल में देखोगे ना आप, प्रोफाइल के नीचे सेंड कैश का ऑप्शन होगा, सेंड कैश पे क्लिक करोगे, उसमें आपको जो भी अकाउंट में सेंड करना है वो क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने जाओगे ना आप, तो पहले आपको पूछे कि कहाँ पर सेंड करना है, तो आपको चूज़ कर लो कि रशिया में चूज़ कर लो, तो फिर रूबल का ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें फिर जो अकाउंट में आपको सेंड करना है वहाँ पे दो तीन कंपनी लिखी होगी, तो मैंने मेरा कार्ड था टिंकऑफ का, तो वहाँ पे टिंकऑफ का ऑप्शन था, तो मैंने वो क्लिक किया टिंकऑफ पे, और फिर उसने डायरेक्ट ही फोर ऑप्शन आ गए, फोर ऑप्शन वेरीफिकेशन होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन कार्ड OTP से वेरीफाई होता है वो लिंक होना चाहिए, ईमेल का लिंक होना चाहिए, और गूगल ऑथेंटिकेटर या बाइनेंस ऑथेंटिकेटर ये भी होना चाहिए, और एक फोर्थ ऑप्शन कौन सा था चेक, वो चारों के चारों ऑप्शन में टिक मार्क होना चाहिए। इन शॉर्ट जो भी चार ऑप्शन होना वो चारों के चारों टिक मार्क हो गए ना आपके, तो उसके बाद ही आप पे कर सकते हो। उसके बाद पे करने जाओगे ना आप, तो वो पूछेंगे कि कौन से करेंसी में चाहिए, रूबल सिलेक्ट कर लो आप, फिर डायरेक्ट अकाउंट नंबर मांगिए वो एंटर कर लो आप, और फिर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा आपके, मोबाइल नंबर का OTP एंटर कर दो, और फिर विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगा, जिसमें भी आपको सेंड करना है उसमें कर सकते हो, आपके फाइनेंस में USDT पड़े है तो भी हो जाएगा, बिटकॉइन पड़ा है तो भी हो जाएगा, स्पोर्ट में है तो भी हो जाएगा, और परचेस किया हुआ है तो भी हो जाएगा, सब तरीके से हो जाएगा। सो या दैट्स अ सॉल्यूशन। और मेरे पास अभी टेलीग्राम की लिंक भी है, अगर आपको वैसे भी करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, और वो ये सब कर दे, थोड़ा बहुत वो कमीशन ले लेते हैं ऐसा करके, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसका भी आपको कॉन्टेक्ट दे दूँगी, ग्रुप की लिंक तो मैंने ये देखी, अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनल मेरे से मांग लेना DM करके, या फिर कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टा पे आप DM कर सकते हो और मांग लेना मेरे से, दे दूँगी। एक साइबर बैंक करके भी है, तो उसमें अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो भी आप अपने अकाउंट से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट वो भी अगर अभी सेंक्शंस के कारण रिस्ट्रिक्टेड है, बट फिर भी मैं उसकी प्रोसेस आपको बता देती हूँ।
ओके, आपको उसके लिए तीन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर एंड होटल या हॉस्टल रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अगर आप आपकी होटल में जाओगे उसको बोलोगे मुझे होटल रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे फिल करके कि ये बंदा मेरे यहाँ पे रहता है ऐसा करके। मैं अपनी हॉस्टल में गई ना उसे मांगने के लिए, तो उसने बोला है कि आपको मिनिमम 10 to 12 days यहाँ पे स्टे करना होगा तो ही हम आपको देंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 दिन ही रुकी थी इसलिए। और वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ना वो भी 2 दिन की होगी ऐसा उसने बोला, आई डोंट नो रियल कितनी होती है, कितना टाइम लगता है वो, बट या ऐसे आप कर सकते हो। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको साइबर बैंक है वहाँ पे अगर जाओगे ना तो वो भी आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। अभी का फ़िलहाल मुझे पता नहीं है बट मोस्टली लोग, अभी का फ़िलहाल मुझे पता नहीं है पर मोस्टली 6 months पहले ही लोग यहीं पे ऐसा ही कर रहे हैं। बट अगर आप आते हो और अगर आपको कोई भी ऑप्शन ना मिले तो आप ये ऑप्शन एक ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि मैं ये 2-3 दिनों से बहुत सारे वेज ढूंढ रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।